चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाइए हमारे आईटी गुरु एजुकेशन की दुनिया से। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द आईटी गुरु, माय सत्यम। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही दोस्तों कूल वे कि आप दोस्तों अपने जो टेक्स्ट को अपनी वीडियो में कैसे कंपोजिट करते हो। अगर आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो ये रही वीडियो। देखा आपने दोस्तों कि यहाँ पे मैंने आपको कैसे दिखाया है कि दोस्तों आप अपना जो टेक्स्ट है वो वीडियो के अंदर कैसे कंपोजिट करें ताकि आपको एक अच्छा सा सिनेमैटिक लुक ओवरऑल आपको मिल पाए। तो ये काम हम बहुत ही दोस्तों आसानी के साथ करेंगे बाय यूजिंग फिल्मोरा 9। तो कहीं मत जाइए, अगर आप लोग वेट कर रहे थे कि भैया मैं कोई ऐसी ट्यूटोरियल लेके आऊँ आपके लिए, तो भैया ये है ट्यूटोरियल। ओके, तो कहीं मत जाइए। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि मैं सभी वीडियो में कहता हूँ, कि अगर चैनल पर नए हो तो यार अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी कूल चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें मैं आप सभी के लिए कवर करता हूं इसी यूट्यूब चैनल में। तो कहीं मत जाइए, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर हम चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे दोस्तों मेरे पास है अपना तड़कता भड़कता सा फिल्मोरा 9, और यहाँ पे मेरे पास है टाइटल्स। टाइटल्स में हमको जाना है, यहाँ पे कोई भी एक टाइटल्स ले लेना है जो कि दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा एनिमेटेड ना हो। ओके, ज़्यादा एनिमेटेड होगा तो भैया जो हमने क्या बनाया, ठीक है, वहीं से हमने एनिमेटेड ले लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एनिमेटेड ले लेते हैं, लाइक कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये टाइटल आई थिंक ठीक है, एक सिंगल वाला आपको टाइटल लेना है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ें आप लिख सको। ओके, तो ये आप लेने के बाद डबल क्लिक करो, और डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो नेम है उसको आपको पहले रिनेम करना है। ओके, ध्यान रहे, आपको रिनेम करना है। देन आफ्टर दोस्तों आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे कोई सा मोटा सा फॉन्ट लेना है। देखो, जितना मोटा फॉन्ट रहेगा ना आपकी जो वीडियो है उतनी अच्छी विजिबल होगी, ठीक है। अगर आप बहुत से स्लिम से एकदम फॉन्ट ले लेते हो, एकदम पतले पतले, तो भैया उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि तब आपको अगर वीडियो उसमें दिखाई ही नहीं देगी तो भैया हमको कैसे सिनेमेटिक इफेक्ट हम देंगे ये वाला, ठीक है, इस कंपोजिट को हम कैसे कंपोजिशन इसका देंगे। ओके, तो सिंपली हम एक फॉन्ट ले लेते हैं जो कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट बोल्ड फॉन्ट है, वो है दोस्तों जेंटोना का। तो यहाँ पे मैंने रख रखा है ऑलरेडी जेंटोना एक्स्ट्रा बोल्ड फॉन्ट, जो कि मैं अपने थंबनेल में यूज़ करता हूँ, आप लोग देखिए। उसके बाद यहाँ पे हम इसको ले लेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको जितना हो सकेगा उतना बड़ा कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना स्केलिंग है, तो 150 की स्केलिंग मैं कर लेता हूँ, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है, मेरी वीडियोज़ को विजुलाइज करने के लिए। ओके, देन आफ्टर दोस्तों हमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो आउटर है वो चेंज करना है। तो एडवांस सेटिंग में आने के बाद हमको दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट बॉर्डर अप्लाई करना है, तो सिंपली हम थोड़ा सा इसको डार्क ब्लू ले लेंगे। ओके करेंगे, नाइस, ठीक है, सभी चीज़ें अच्छी हैं। और यहाँ पे हम दोस्तों एक एनिमेशन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई जूम इन का है, तो ये जूम इन का जो दोस्तों होता है ये बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक लुक देता है, तो मैं इसको ले लूँगा, ठीक है। अब मेरा जो ये है कुछ ऐसे जूम होते हुए सामने आएगा। ओके, सो इसको मैं ले लूँगा, ओके करूँगा। और उसके बाद अब हम देखें यहाँ पे, तो मेरा जो वीडियो है वो तैयार हो चुका है। ओके, ओह गॉड, नाउ यू कैन सी, बहुत ही अच्छे से हमारा जो आ गया है, ठीक है। और इसको हम चाहे तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 सेकंड करूँगा। ओके, देन आफ्टर इसको दोस्तों आपको कर लेना है एक्सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट वीडियो में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी इसको नाम दे देना है, सपोज कि टाइटल फॉर इंट्रो। ओके, और इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे सेटिंग्स में कुछ देख लेना है, यहाँ पे हमेशा क्वालिटी जो है वो बेस्ट रखनी है, और ठीक है यहाँ पे जो बिटरेट है वो 10,000 kbps इनफ है, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ, आप इसको बढ़ा सकते हो कि आप जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। ओके, नाउ यहाँ पे 6 MB का है, तो ये बहुत ही अच्छे से एक्सपोर्ट हो जाएगा, और एक्सपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो भैया यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है, हमें फाइन टारगेट करना है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होकर सामने आ गई। अगर इसको प्ले करके मैं देखता हूँ आपके सामने, तो वाओ, ठीक है, और ये आ चुका है, और इसको साइड में रखना है, ठीक है। और फिर दोस्तों हमें क्या करना है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, आपको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है। ओके, और डिलीट पे क्लिक करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे इस जो मीडिया है उसको फिर से इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे अपना जो टाइटल इंट्रो है उसको इंपोर्ट कर लेंगे, ओके, जो अभी मैंने जस्ट आप बनाया है। और फिर हमें दोस्तों एक मीडिया और ले लेनी है जिसमें हमको दोस्तों वो रखना है, हम सपोज यही रख लेंगे, ठीक है। और सबसे ऊपर जो हमें जो रखना है, ठीक है, जो सबसे पहले नंबर पे जो पहले ट्रैक में रखना है वो है दोस्तों आपकी वीडियो, जो कि आपकी वीडियो होगी। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो है, सपोज़ कि मुझे इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो कंपोजिट करना है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं ताकि जो व्यू है वो थोड़ा सा अच्छा है। ओके, और यहाँ पे अब आप देखिए मैं यहाँ से इसको लगाऊँगा, ठीक है। तो
उसके बाद हमको यहाँ पे सबसे ऊपर, ठीक है, ध्यान रहे, ट्रैक वन के ऊपर ट्रैक टू में हमें टाइटल रखना है जो अभी हमने जस्ट बनाया है, ठीक है। फिर इसको हमको सिंपली दोस्तों कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ पे हमें कंपोजिटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ यू कैन सी दोस्तों कि हमारा जो वीडियो है दोस्तों वो टेक्स्ट के अंदर जा चुका है, और अब ये देखिए तो बहुत ही कूल तरीका है दोस्तों, प्ले करके देखते हैं। तो ये ऐसे आप कर सकते हो दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ, अपना जो टेक्स्ट है वो दोस्तों मीन्स जो वीडियो है वो टेक्स्ट के अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे और भी चीज़ें जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, ये तो मैंने एक सैंपल बता दिया, जल्दी जल्दी में और भी चीज़ें आप कर सकते हो, ओके। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि हम दोस्तों वीडियो को टेक्स्ट में कैसे कंपोजिट करते हैं और दोस्तों अपनी वीडियोज़ को कैसे सिनेमैटिक बनाते हैं, ओके। तो आपको ये इंट्रो वाली वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर सकते हो, ओके। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।